रिश्वत। लोकायुक्त की 17 सदस्यीय टीम ने की कार्रवाई। रीवा लोकायुक्त पुलिस ने चितरंगी तहसील के खिरवा हल्का पटवारी राम सजीवन पनिका को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। लोकायुक्त की कार्रवाई की जानकारी देते हुए लोकायुक्त निरीक्षक अनूप सिंह ठाकुर ने बताया कि फरियादी मान प्रताप साहू के पिता द्वारा शासकीय भूमि पर मकान निर्माण किया जा रहा था, जिस पर स्थगन आदेश जारी हुआ था, जिसे खारिज कराने के लिए हल्का पटवारी राम सजीवन पनिका ने 30,000 रुपए की मांग की थी। फरियादी रिकॉर्डिंग के दौरान 10,000 पटवारी को पहले ही दे दिए थे। इस मामले में फरियादी द्वारा लोकायुक्त में शिकायत की गई थी, जिसके बाद लोकायुक्त निरीक्षक अनूप सिंह ठाकुर एवं डोमेन सिंह मारवी की अगुवाई में 17 सदस्यीय टीम ने सिंगरौली पहुंचकर मामले की तहकीकात की। इसके बाद दूसरी किश्त के रूप में 20,000 के लिए खिरवा गांव का चयन किया गया और खिरवा तिराहे पर रिश्वत लेते पटवारी राम सजीवन पनिका को लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सिंगरौली से राजू दिबे की रिपोर्ट।